सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस न्यूज की एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तेजस के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन आज हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे जिस कैटेगरी में तेजस आता है। दुनिया में ऐसे और भी फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो कि तेजस की तरह ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है और हम किस तरह की एयरक्राफ्ट को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दूसरे कन्वेंशनल मल्टीरोल एयरक्राफ्ट से साइज में छोटा और हल्का होता है। इनको लाइट कॉम्बैट मिशन जैसे कि स्ट्राइक मिशन, अटैक मिशन, रिकॉग्नाइज मिशन और इंटरडिक्शन रोल के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा इनको ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको एंटी हेलीकॉप्टर मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इन्हें एयर डिफेंस मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर भी कुछ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एडवांस आर्मामेंट, रडार और काउंटर मेजर्स दिए गए हैं जो कि एयर डिफेंस मिशन को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसे 7 एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले चेक रिपब्लिक की L159 अल्का, जर्मनी और फ्रांस की अल्फा जेट MS2, इटली की M346FA, साउथ कोरिया की T50, यूके की BAE Hawk 200, यूगोस्लोविया की G4MD और इंडिया की तेजस। सबसे पहले चेक रिपब्लिक की L159 अल्का से शुरुआत करते हैं। अल्का एक लाइट सबसोनिक अटैक एयरक्राफ्ट है जिसे एरो वोदोचोदी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी पहली फ्लाइट 1997 में कंप्लीट हुआ था और इसे पहली बार 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी इसे चेक रिपब्लिक एयरफोर्स और इराकी एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक इसके 72 यूनिट बनाए जा चुके हैं। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $9.5 मिलियन है। ये सिंगल या फिर ट्विन सीटर हो सकता है। इसकी लेंथ 12.72 मीटर, विंग स्पैन 9.54 मीटर, हाइट 4.87 मीटर और विंग एरिया 18.80 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट है 4,350 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 8,000 kg। इसमें हनीवेल की F124GA100 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि 28.9 kN का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मैक्सिमम स्पीड 936 km/h है और इसका स्टॉल स्पीड 185 km/h है। इसका रेंज 1570 km का है और इसका कॉम्बैट रेडियस 565 km का है। इसका सर्विस सीलिंग है 13,200 m का और इसका रेट ऑफ क्लाइंब है 62 m/s का। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 2 या 3 20mm के गन्स को फिट किया जा सकता है। इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ये एयर टू एयर कैटेगरी में M9 साइड वाइंडर, IRIST, M132 और M120 को भी फायर कर सकता है और एयर टू ग्राउंड कैटेगरी में ये AGM-65 को फायर कर सकता है। इसके अलावा ये 2 तरह के रॉकेट्स और 5 तरह के बॉम्ब्स को भी फायर कर सकता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं डोरिनोर और डीएसएल्ट की अल्फा जेट की। ये भी एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रांस की डीएसएल्ट एविएशन और जर्मनी की डोरिनोर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसे एक एडवांस जेट ट्रेनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका फर्स्ट फ्लाइट 1973 में कंप्लीट हुआ था और इसे 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे प्राइमरीली फ्रेंच एयरफोर्स, कैमेरियन एयरफोर्स, रॉयल थाई एयरफोर्स और पोर्तुगीज एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक इसके 480 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $4.5 मिलियन है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लेंथ 13.23 मीटर, विंग स्पैन 9.11 मीटर, हाइट 4.19 मीटर और विंग एरिया 17.5 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट है 3,515 kg और लोडेड वेट है 5,000 kg और ये मैक्सिमम 7,500 kg के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे हैं 2 स्निकमा 04C5 टर्बोफैन इंजन जो कि 26.48 kN का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका मैक्सिमम स्पीड 1000 km/h है और इसका स्टॉल स्पीड 167 km/h है। इसका कॉम्बैट रेडियस 610 km का है और इसका फेरी रेंज
2940 किलोमीटर का है। इसका सर्विस सीलिंग 14630 मीटर और रेट ऑफ क्लाइंब 57 मीटर पर सेकंड है। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 27mm का रिवॉल्वर कैनन लगा हुआ है या फिर 30mm का एक कैनन लगाया जा सकता है जिसमें 120 से लेकर 150 राउंड हो सकते हैं। इसके अलावा इसे 5 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें यह रॉकेट्स, मिसाइल और बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। मिसाइल की कैटेगरी में ये M9 साइडवाइंडर, मैजिक 2 और AGM-65 को फायर कर सकता है। नंबर 3 पे एलिना एमआरची की M346 मास्टर की बात करते हैं। ये एक ट्विन इंजन ट्रांससोनिक एयरक्राफ्ट है। इसको मेनली ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहली फ्लाइट 2004 में हुई थी और 2015 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको प्राइमरीली इटालियन एयरफोर्स, इसराइली एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $20 मिलियन है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है। इसका लेंथ 11.49 मीटर, विंग स्पैन 9.72 मीटर, हाइट 4.76 मीटर और विंग एरिया 23.52 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट है 4610 केजी, लोडेड वेट है 6700 केजी और ये मैक्सिमम 9500 केजी के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे हैं हनीवेल के दो F124GA200 इंजन जो कि 56 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका मैक्सिमम स्पीड 1060 किलोमीटर पर आवर है। इसका रेंज 1980 किलोमीटर का है और इसका फेरी रेंज 2722 किलोमीटर का है। इसका सर्विस सीलिंग 13716 मीटर का है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 6705 मीटर पर मिनट है। नंबर 4 पे साउथ कोरिया की काई T-50 गोल्डन ईगल की बात करते हैं। ये एक एडवांस ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे डेवलप किया है कोरियन एयरस्पेस इंडस्ट्री ने जिसमें इसको लॉकहेड मार्टिन ने टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। इस प्लेन की पहली फ्लाइट 2002 में हुई थी और इसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। T-50 की वेरियंट्स को लेके इसकी प्राइस $21 मिलियन से $30 मिलियन तक हो सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है। इसका लेंथ 13.14 मीटर, विंग स्पैन 9.45 मीटर, हाइट 4.95 मीटर और विंग एरिया 23.69 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट है 6470 केजी, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 12300 केजी। इसमें एक जनरल इलेक्ट्रिक की F404 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि आफ्टर बर्नर को इस्तेमाल किए बिना 53 किलो न्यूटन का और आफ्टर बर्नर के साथ 78 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.5 तक हो सकता है। इसका रेंज 1850 किलोमीटर का है और इसका सर्विस सीलिंग 14630 मीटर का है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब 198 मीटर पर सेकंड है और इसका थ्रस्ट बाय वेट रेशियो 0.96 का है और इसका मैक्सिमम जी लिमिट -3 से लेके +8G तक हो सकता है। अब इसकी आर्मामेंट की बात करते हैं। इसमें एक 20mm का गन लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ये 2 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह के मिसाइल और 6 तरह के बॉम्ब्स को फायर कर सकता है। मिसाइल की कैटेगरी में ये M9 साइडवाइंडर, M120, AGM-65 और KEPD-350 को फायर कर सकता है। नंबर 5 पे ब्रिटिश एयरस्पेस की हॉक 200 की बात करते हैं। ये एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन लाइट मल्टीरोल फाइटर है जिसको एयर डिफेंस, एयर डिनाइल, एंटी सीप इंटरडिक्शन, क्लोज एयर सपोर्ट और ग्राउंड अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। पूरी हॉक फैमिली में ये सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इसे पहली बार 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको प्राइमरीली इंडोनेशियन एयरफोर्स, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और ओमान एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। अभी तक इसके 62 यूनिट बनाए जा चुके हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। इसका लेंथ 11.38 मीटर, विंग स्पैन 9.39 मीटर, हाइट 4.16 मीटर और विंग एरिया 16.69 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट है 4128 केजी और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 9101 केजी है। इसमें रोल्स रॉयल की एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो कि 26 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.2 तक हो सकता है। इसका रेंज 892 किलोमीटर का है। इसका कॉम्बैट रेंज 670 किलोमीटर का और इसका फेरी रेंज 1950 किलोमीटर का हो सकता है। इसका सर्विस सीलिंग 15250 मीटर का है और ये मैक्सिमम 8G से लेके -3G तक लोड बियर कर सकता है। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें एक 30mm का कैनन लगा हुआ है जिसमें 120 राउंड होते हैं।
इसमें टोटल 7 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ये रॉकेट्स, मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। रॉकेट्स की कैटेगरी में ये दो तरह के रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल के कैटेगरी में ये M120, M132, M9 साइडवाइंडर, एयर टू सरफेस कैटेगरी में AGM-65 और एंटी शिप मिसाइल की कैटेगरी में ये सी ईगल को फायर कर सकता है। वहीं पर बॉम्ब्स की कैटेगरी में Mark 82 और Mark 83 जैसे बॉम्ब्स को फायर कर सकता है। नंबर 6 पे बात करते हैं सोको G4 सुपर गलिप की। ये भी एक सिंगल इंजन लाइट ट्रेनर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसको डिजाइन किया है एरोनॉटिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इसे मैन्युफैक्चर करती है सोको एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसकी पहली फ्लाइट 1978 में कंप्लीट हुआ था और इसे पहली बार 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी इसे प्राइमरीली सर्बियन एयरफोर्स और म्यांमार एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक इसके 85 यूनिट बनाए जा चुके हैं। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $4.2 मिलियन है। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है। इसका लेंथ 12.25 मीटर, विंग स्पैन 9.88 मीटर, हाइट 4.30 मीटर और विंग एरिया 19.5 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट है 3,250 केजी, क्रॉस वेट है 4,760 केजी और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 6,330 केजी। इसमें लगा हुआ है रोल्स रॉयल के वाइपर इंजन जो कि 17.8 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका मैक्सिमम स्पीड 920 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। इसका रेंज 1900 किलोमीटर का है और इसका कॉम्बैट रेडियस 1300 किलोमीटर का है। इसका फेरी रेंज 2500 किलोमीटर तक हो सकता है जबकि इसका सर्विस सीलिंग 12850 मीटर का है। इसका मैक्सिमम जी लिमिट -4.2G से लेके +8G तक हो सकता है और क्लाइंब रेट 31 मीटर पर सेकेंड है। नंबर 7 पे बात करते हैं हॉल की तेजस की। ये भी एक सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टीरोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसे डिजाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी पहली फ्लाइट 2001 में कंप्लीट हुई थी और इसे 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तक इसके 22 यूनिट बनाए जा चुके हैं। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट 25 मिलियन से लेके 40 मिलियन तक हो सकते हैं। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। इसका लेंथ 13.20 मीटर, विंग स्पैन 8.20 मीटर, हाइट 4.40 मीटर और विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट 6560 केजी, लोडेड वेट 9800 केजी और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 केजी है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की F404 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि आफ्टर बर्नर को इस्तेमाल किए बिना 53 किलो न्यूटन का और आफ्टर बर्नर के साथ 89 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका मैक्सिमम स्पीड Mach 1.8 तक हो सकता है। इसका कॉम्बैट रेडियस 500 किलोमीटर का है। इसका फेरी रेंज 1750 किलोमीटर का है और इसका सर्विस सीलिंग 16000 मीटर का है। इसका थ्रस्ट बाय वेट रेशियो 0.96 का है और ये मैक्सिमम 8G से लेके -3.5G तक का लोड बियर कर सकता है। अब इसकी आर्मामेंट की बात करते हैं। इसमें एक 23mm का ट्विन बैरल गन लगा हुआ है जिसमें 220 राउंड होते हैं। इसके अलावा इसमें टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ये एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में अस्त्र, डर्बी, पाइथन 5, R-77 और R-73 को फायर कर सकता है। वहीं पर एयर टू सरफेस मिसाइल के कैटेगरी में ये DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल, KH-59ME और KH-59MK को फायर कर सकता है। एंटी शिप मिसाइल की कैटेगरी में ये KH-35 और KH-31 को फायर कर सकता है। इसके साथ ही ये 10 तरह के बॉम्ब्स को भी फायर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को लेके एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।